वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब कि हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स किस तरह के हमारे स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स शुरू करने से पहले एक बार हम इंडेक्स रिकॉल कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन करा था पार्ट वन में, मेटामॉर्फिज्म हमने करा था पार्ट टू, टेक्सचर हमने पार्ट थ्री, अब हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स पार्ट फोर। तो इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो देखो अब आता है हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर स्मॉल स्केल फीचर्स विच डिपेंड अपॉन शेप, म्यूचुअल अरेंजमेंट एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ द मिनरल ग्रेन। तो तीन तरह पे हमारे डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर्स, किस पे? शेप पे, म्यूचुअल अरेंजमेंट पे एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ द मिनरल ग्रेन। देयरफॉर दीस स्ट्रक्चर्स आर आल्सो मेनी टाइम डिस्क्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ द टेक्सचर ऑफ द रॉक्स। तो मतलब कि ये वाले जो हमारे स्ट्रक्चर्स होंगे ना, ये बहुत तरह से पहले भी हमने डिस्क्राइब करे हुए हैं। तो देखते हैं अब कैसे होते हैं हमारे स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले आता है हमारे कैटाक्लास्टिक स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर इंडिकेट्स क्रशिंग एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द रॉक सब्जेक्ट टू डायरेक्ट प्रेशर। तो जो डायरेक्ट प्रेशर से हमारे रॉक्स बनते हैं ना, जो इंडिकेट करते हैं क्रशिंग फ्रेगमेंटेशन आता है जो कि सब्जेक्ट टू डायरेक्ट प्रेशर होता है, तो उससे जो हमारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं हम उसे कहते हैं कैटाक्लास्टिक स्ट्रक्चर्स। द हार्ड एंड ब्रिटल रॉक्स बिकम फ्रेगमेंटरी व्हाइल सॉफ्ट एंड प्लास्टिक रॉक्स लाइक शेल गेट कंप्रेस्ड डेवलपिंग फाइन क्रैक्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल्स वेरी इनसिग्निफिकेंट और एबसेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे कैटाक्लास्टिक स्ट्रक्चर होते हैं इनमें ना बड़े ही मुश्किल से हमारे फॉर्मेशन होते हैं न्यू मिनरल्स की, ठीक है ना, या फिर इनसिग्निफिकेंट होते हैं या फिर एबसेंट होते हैं। तो देखो आप देख सकते हैं कि दोनों, आप देखो ये तो आपके एग्जाम के लिए हो गया जो हमारे कैटाक्लास्टिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन्होंने कहा था हार्ड एंड ब्रिटल रॉक बिकम फ्रेगमेंटरी व्हाइल सॉफ्ट एंड प्लास्टिक रॉक लाइक शेल गेट कंप्रेस्ड डेवलपिंग फाइन क्रैक्स। तो हल्के से क्रैक्स आते हैं शेल में। तो देखो ऐसे हल्के से क्रैक्स आपको दिख रहे होंगे, देखो ऐसे छोटे छोटे होते हैं, जैसे आप लाइव इमेज आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको ऐसे मिल जाएंगे, बड़े पार्टिकल्स भी इसमें होते हैं। तो देखो नेक्स्ट आता है हमारा ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। इन दिस स्ट्रक्चर द रॉक चीफली कंसिस्ट ऑफ इक्वी डायमेंशनल मिनरल्स सच एज फेल्सपर, कैल्साइट, पायरोक्सिन एंड क्वार्ट्ज। तो इसमें कहते हैं इक्वी डायमेंशनल मिनरल्स होते हैं, मतलब कि सारे इक्वी डायमेंशनल होते हैं, इक्वी ग्रैनुलर होंगे, मतलब कि सेम सी शेप होगी। जो कि हमारे मटेरियल्स, जो कि हमारे मिनरल्स कौन से हो सकते हैं? फेल्सपर, कैल्साइट, पायरोक्सिन एंड क्वार्ट्ज। द म्यूचुअली इंटरलॉक्ड इक्वी डायमेंशनल मिनरल्स आर ग्रैनुलर्स गिव राइज टू द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। तो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर हमारा कहाँ से बनता है? जो कि हमारे इक्वी डायमेंशनल मिनरल्स होते हैं जो कि इंटरलॉक्ड होते हैं, तो इस नाम से या फिर हम उसे कहते हैं ग्रैनुलर्स, जिससे कि हमारा नाम बना है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। द टेक्सचर ऑफ सच रॉक्स इज क्रिस्टोब्लास्टिक एंड टर्म्ड एज ग्रैनोब्लास्टिक टेक्सचर। तो हम टेक्सचर पहले कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट इज द आउटकम ऑफ द थर्मल एंड प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। तो थर्मल एंड प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म हम कर चुके हैं पार्ट टू में, जिसमें हमने मेटामॉर्फिज्म के बारे हमने पढ़ा था। एंड इज टिपिकली शोन बाय रॉक्स लाइक मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट। तो मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट में हमें शो करता है ग्रैनुलोस स्ट्रक्चर। तो देखो आप इसमें इक्वी डायमेंशन, आप ये तो एग्जाम के लिए हो गया, तो आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे कोई इमेज मिली नहीं, लेकिन बहुत ही रिसेम्बलेंस इसके साथ मिल रही है, क्योंकि हमारे देखो इक्वी डायमेंशन ही लग रहा है, लेकिन इसमें नहीं आपको दिखाया क्योंकि ये सारे हमारे माइक्रोस्कोपिक व्यू होते हैं, मोस्टली हमारे माइक्रोस्कोपिक व्यू होते हैं, तो ये हमारे नेकेड आई से हमारे इजीली नहीं दिखते। तो देखो नेक्स्ट आता है हमारा मैक्यूलर स्ट्रक्चर। इन दिस स्ट्रक्चर देयर आर लार्ज क्रिस्टल्स एम्बेडेड विद इन अ मास ऑफ फाइन क्रिस्टल्स। तो आप देख सकते हैं लार्ज जो हमारे क्रिस्टल होते हैं वो फाइन मास, हमारे फाइन क्रिस्टल्स के मास होते हैं ना, उनमें हमारे ये एम्बेडेड होते हैं। द लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफ दोज मिनरल्स विच हैव अ ग्रेट पावर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कहते हैं जो हमारे लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा पावर होती है हमारे क्रिस्टलाइजेशन के लिए। द रिजल्टिंग टेक्सचर इज ऑब्वियसली क्रिस्टोब्लास्टिक नेचर टर्म्स एज पोरफायरोब्लास्टिक टेक्सचर। तो हमारे जो इसमें क्रिस्टोब्लास्टिक हमारा ये नेचर में होता है, तो इससे हमारा क्या बन जाता है? ये पोरफायरोब्लास्टिक टेक्सचर। द आर्गिलेशियस रॉक समटाइम्स डेवलप पैचेस और स्पॉट्स फॉर्म बाय द क्रिस्टलाइजिंग मिनरल्स, क्रिस्टलाइजेशन बीइंग इनकम्प्लीट। तो कभी कभी जो हमारे आर्गिलेशियस रॉक्स होते हैं, जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, समटाइम्स डेवलप पैचेस और स्पॉट्स फॉर्म बाय द क्रिस्टलाइजिंग मिनरल्स। तो जो हमारे ना पैचेस या स्पॉट्स आते हैं, आप देख सकते हैं इसमें जैसे हमारे आया हुआ है, तो क्रिस्टलाइजेशन बीइंग इनकम्प्लीट, तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीमेंट होती है, तो इसलिए हमारे पैचेस या स्पॉट्स आते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म ड्यू टू कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म हमारा कौन सा था? थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो मतलब हीट से बनते हैं ये मैक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो नेक्स्ट आता हमारा शिस्टो स्ट्रक्चर, मतलब शिस्टोसिटी। व्हेन द रॉक्स रिच इन फ्लैकी एंड प्लैटी मिनरल्स लाइक माइका, टाक, क्लोराइड एक्सेट्रा आर सब्जेक्टेड टू प्रेशर, दीज मिनरल्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ लिनियर फैशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द प्रेशर। तो कहते हैं परपेंडिकुलर शेप में हमारा होता है, जैसे प्रेशर अगर ऊपर से ऐसे डल रहा है तो इसकी परपेंडिकुलर शेप में हमारे ऐसे बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इमेज में, या आप एग्जाम पर्पज के लिए आपकी इमेज होगी, देखो प्रेशर तो ऊपर से डल रहा है इसमें, लेकिन ये अपने आपको परपेंडिकुलर शेप डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने आपको फैशन, मतलब लाइन में करते जाते हैं।
द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विद द मोर और लेस पैरेलल अरेंजमेंट्स ऑफ सच मिनरल्स इज टर्म्ड एज शिस्टोस स्ट्रक्चर। तो इसमें ये होता है, ये लेस पैरेलल भी हो सकता है या फिर मोस्टली पैरेलल ही होता है, आप देख सकते हैं इसमें, तो उसे हम कहते हैं शिस्टोस स्ट्रक्चर। दिस फीचर इज ऑल्सो कॉल्ड शिस्टोसिटी। द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ दिस फ्लैकी मिनरल्स इज ऑल्सो कॉल्ड फॉलिएशन विच इनेबल्स द रॉक टू स्प्लिट इनटू थिन लेयर्स। तो कहते हैं कि जब हमारे इस अरेंजमेंट को भी ना ये थिन लेयर्स में हमारे बड़े आराम से हमारे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब कि फ्लैकी मिनरल्स तो इसमें हेल्प करते हैं, तो उसे हम उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट को, फोलिएशन विच नेबल्स द रॉक टू स्प्लिट इनटू थिन लेयर्स। तो थिन लेयर्स में हमारे रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म ड्यूरिंग डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म एंड इज टिपिकली शोन बाय द रॉक कॉल्ड शिस्ट। तो शिस्ट ये रॉक आप देख सकते हैं, शिस्ट रॉक ही हमारा, तो इसमें हमारा फॉर्म होता है। देखो आप दिख रहे हो ना कैसे वैसे ऐसे लाइन्स लगी हुई है, तो मैं ज्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाऊंगा, नहीं तो रेड रेड से आपको मिट जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं इसमें तो डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म में होता है। डायनामो थर्मल कौन से होते हैं, जिसमें हीट एंड हमारा डायरेक्ट प्रेशर होता है। देखो नेक्स्ट आता है हमारा निसोस स्ट्रक्चर। तो जी हमारे यहाँ पर साइलेंट होता है, निसोस स्ट्रक्चर। द निसोस स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिस्टोस एंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। तो उन दोनों का मिलावट है, किस किस की, शिस्टोस एंड ग्रैनुलर। तो ग्रैनुलर हमारा ये था और ये हमारा शिस्टोस स्ट्रक्चर था। तो इन दोनों से मिलता जो हमारा क्या आता है, निसोस स्ट्रक्चर। द रॉक्स विद दिस स्ट्रक्चर पोजेस अल्टरनेटिंग लेयर्स शोइंग शिस्टोस एंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। तो देखो ये पहले आप देख सकते हैं, इसमें हमारे ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट्स आ रही है, फिर इक्विडायमेंशन आ रही है, फिर पैरेलल, फिर इक्विडायमेंशन, तो उससे हमारा निसोस स्ट्रक्चर बनता है। दिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड निसोसिटी। तो निसोसिटी इस फीचर को हम बोल देते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म एंड इज टिपिकली डिस्प्लेड बाय द रॉक कॉल्ड निस। तो ये हमारे डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म से बनता है, ये भी हमारा निसोस स्ट्रक्चर। और इसमें कौन से में हमारे रॉक शो करता है, हमारा ये कौन सा नीज रॉक हमारा ये शो करता है। तो ये हमारा नीज रॉक आप देख सकते हैं कि देखो पहले तो हमारे पैरेलल आ गए, उसके बाद थोड़ा सा इक्विडायमेंशन आ गए, ये वाले जो हमारे ले रहे हैं थोड़ा ये इक्विडायमेंशन वाला आपको उसमें दिखेगा, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखेगा, इतना आपको नेकेड आई से नहीं दिख सकता, लेकिन आपको ये अच्छे से दिख जाएगा, शिस्टोस स्ट्रक्चर आपका देख सकते हैं ऐसे आप पैरेलल ये जा रहे हैं। देखो लास्ट स्ट्रक्चर हमारा कौन सा, रॉक क्लीवेज। तो देखो रॉक क्लीवेज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ विच रॉक इज कैपेबल ऑफ स्प्लिटिंग इनटू थिन पैरेलल लेयर्स। तो रॉक क्लीवेज हमारी एक ऐसी स्ट्रक्चर है, मतलब की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि हमारे रॉक्स हमारे आराम से स्प्लिट हो जाते हैं इनटू थिन पैरेलल लेयर्स। द रॉक कॉल्ड स्लेट इज अ टिपिकल एग्जांपल फॉर दिस फीचर। तो ये कहते हैं जो हमारी स्लेट होते हैं, आप स्लेट देख सकते हो, कितनी भी थिन लेयर्स में हमारी कट सकती है, तो इसको ही हम कहते हैं रॉक क्लीवेज, विच कैन स्प्लिट इनटू एक्सट्रीमली थिन शीट्स। टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रॉक क्लीवेज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉज आर एज फॉलोज। तो रॉक क्लीवेज के हमारे दो तरह के फीचर होते हैं, कौन से कौन से। देखो सबसे पहले हमारा आता है फ्रैक्चर क्लीवेज। व्हेन द रॉक क्लीवेज इज बिकॉज ऑफ द फाइन पैरेलल फ्रैक्चर्स प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, इट इज कॉल्ड फ्रैक्चर क्लीवेज। तो जो हमारी रॉक क्लीवेज होती है वो कहां से अक्कर होती है, कहां से प्रोड्यूस होती है, अगर वो हमारी वेरियस स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स से होती है तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर क्लीवेज। दिस टाइप ऑफ रॉक क्लीवेज कॉमनली डेवलप ड्यूरिंग कैटालिस्टिक मेटामॉर्फिज्म। तो कैटालिस्टिक मेटामॉर्फिज्म में हमारा ये मोस्टली हमारा फ्रैक्चर क्लीवेज अक्कर होती है। तो देखो नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो क्लीवेज। समटाइम्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म हाईली क्लीवेबल मिनरल्स विद क्लीवेज डायरेक्शन अलोंग देयर लेंथ आर अरेंज इन ए लिनियर पैटर्न। एज रिजल्ट ऑफ इट द रॉक एक्वायर्स अ कैपेबिलिटी ऑफ रेडली स्प्लिटिंग इनटू थिन लेयर्स। तो इसकी वजह से जो हमारे ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म जो मतलब हाईली क्लीवेज मिनरल्स होते हैं वो सारे एक तरह के लेयर में आते हैं, ठीक है, इन लिनियर पैटर्न में आता है, जिससे कि हमारे वो कैपेबिलिटी जो हमारी रॉक्स होती है और ज्यादा बढ़ जाती है स्प्लिट करने की इनटू थिन लेयर्स। दिस टाइप ऑफ रॉक क्लीवेज डेवलप ड्यू टू द लिनियर अरेंजमेंट ऑफ द मिनरल्स इज कॉल्ड फ्लो क्लीवेज। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, जो रॉक क्लीवेज में डेवलप होती है इसे हम कहते हैं फ्लो क्लीवेज। इट इज टिपिकली डेवलप इन स्लेट एंड इज दस ऑल्सो टर्म द स्लेटी क्लीवेज। इसे हम कहते हैं, ये ज्यादातर हमारा स्लेट्स में हमारा अक्कर होता है, तो स्लेट आप देख सकते हैं ये हमारी स्लेट ही है और इसे हम कभी कभी कहते हैं स्लेटी क्लीवेज। तो देखो इससे हमारा पूरा खत्म होता है स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सिर्फ एक पार्ट रह गया हमारे इंपॉर्टेंट रॉक टाइप्स, तो वो देखने के लिए आपको हमारे चैनल सिमसाइट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।